दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। SSC GD PBS ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 24वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 17 जनवरी को 5:15 से 6:15 शाम के बीच। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल किसका है? मिरर इमेज का। मिरर इमेज के सवाल में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मिरर इमेज में मूल रूप से हमें जो करना होता है वो क्या है, लेफ्ट वाले जो भी संख्याएं या जो भी अल्फाबेट लिखे हैं वो राइट में चले जाएंगे, और साथ ही साथ जिसका वो लेफ्ट में रहेगा उसका राइट में, जिसका राइट में रहेगा उसका लेफ्ट में। अब यहां देखिए, यहाँ पे क्या है, वी वी तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन वी उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब इस जगह पर आ जाएगा वी। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये दोनों दूसरा और तीसरा आपका गलत है। फिर हम बात कर लेते हैं पहले और चौथे की। देखिए अब भी ई ई डब्लू में फर्क है। अब हम देखते हैं कि डब्लू ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ तो सीधी सी बात है ये पलटेगा तो भी ऐसे ही दिखेगा, ये तो वाटर इमेज का मामला हो गया। मिरर इमेज का मामला यही है, मतलब आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, और यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर संख्याएं कौन कौन सी दी गई, देखिए 1248 है, 234 है, 259 है, मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं है, तो मामला किसका होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। देखिए 1248, फिर है 887, फिर है 598, फिर है 429, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 259 और फिर है 234। अब देखते हैं हमें जो अवेलेबल है, यहाँ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको 13 दे दूं, इसको 13 दे दूंगा तो ये 900 हो जाएगा, तो 12 में से 900 गया कितना, 300, 13, 8, 21, 21 और 40, 61, ये 361 का मामला है। इसकी अगर मैं बात करूं, दो इसको दे दूं, दो इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 600, 800 में से 600 गया कितना हो गया, 800 में से 600 जाएगा 200 और 87 और 289, मतलब ये पूरा मामला कितने का है, 289 का। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, दो इसको दिया, दो इसको दिया, 600, 429, 600 में से 500 गया, 500 गया 100 और 31, 100 में से 31 घटेगा कितना जाएगा 69, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं, 9 में से 4 चला गया 5, 5 में से 3, ठीक है। अब इनको देखने के बाद, इनको देखने के बाद स्क्वायर नंबर की बात आ रही है। देखिए ये तो 5 का स्क्वायर है, ये वाला 13 का स्क्वायर है, ये वाला 17 का स्क्वायर है और ये वाला 19। अब यहां आप देखिए, अगर ये विषम की मैं बात करूं तो 19, 17 के बाद क्या आना चाहिए था, 15, लेकिन आया कितना है, 13। 13 अगर आया हुआ है तो 19, 17 और 13 ये किस में दिख रहे हैं आपको, ये केवल और केवल कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि अगर मामला विषम का होता तो 19, 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर कितना होना चाहिए था, 9, लेकिन ये मामला किसका है, विषम का तो दिख नहीं रहा, तो 19, 17, 13, 13 के बाद प्राइम नंबर होता है 11, और 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 7, और 7 के बाद प्राइम नंबर होता है 5। अब ये 11 का मतलब कितना हो गया, 121, 9 में से 1 चला गया 8, 2 में से 2 चला गया 0, 4 में से 1 चला गया 3, और ये कितना होना चाहिए था, 49, 18 में से 9 चला गया 9, 29 में से 4 चला गया 25, बिल्कुल सही, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 308, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, बढ़िया सवाल कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किसका है, अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। देखिए एफ का मतलब कितना होता है 6, बी का नंबर कितना होता है 20, एक्स का नंबर कितना होता है 24, डी का नंबर कितना होता है, सॉरी एक्स वाई था, ठीक है 24, 24 के बाद डी का नंबर कितना होता है 4, एच का नंबर कितना होता है 8, एम एन ओ पी बीस कहा है भाई, ये तो 16 है, ठीक है 8, और ये आपको ठीक है। अब यहां अगर मैं देखूं तो यहां कितने का फर्क है 10 का, यहां कितने का है 8 का, 8 के बाद कितने का है
देखिए अब यहाँ पे मामला गड़बड़ दिख रहा है, चार को मैं 30 भी तो लिख सकता हूँ, चार को मैं कितना लिख सकता हूँ 30, तो चार और 30 के बीच, 24 और 30 के बीच का फर्क 6, 6 के बाद 4, तो 4 के बाद 2, और ये किस में है, जोड़ने में है, 10 ये जुड़ रहा है, तो 8 2 10, और 10 किसका नंबर होता है, जे का, मतलब इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओ गणितीय रूप से सही बना लीजिए। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी मैथमेटिकल सीरीज का सवाल आए तो हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए भाग पर, और भाग के बाद किस पर फोकस करना चाहिए, गुणे पर, और अगर दोनों अगल बगल है तो सबसे पहले हमें उसका मान निकाल लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मामला, ये दोनों अगल बगल, अगर मैं इसको हल करूं तो 39 को अगर मैं इससे काटूंगा तो कितना बच जाएगा 3, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए 117 गुणे कितना है 24, इसको काटूंगा 3, 3 8 24, मतलब इस पूरे डाटा की वैल्यू कितनी है 8। अब ये 5, 26 में से 5 जाएगा 21, बच कितना रहा है, मतलब वैल्यू कम है। अब वैल्यू कम है तो बढ़ाना है, बढ़ाना है, अगर मैं इसको यहाँ धन दे दूं और यहाँ पर ऋण दे दूं तो 26, 26 में से 8 जाएगा 18, 18 और 13 31, बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी आपका मामला है 26 ऋण 13 धन 8, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, अगर मैं यहाँ धन करके यहाँ ऋण कर दूं तो 26 में से 8 जाएगा 18 और 13 31, मतलब मुझे बदलना किसको है, प्लस और माइनस को। आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि गुणे और भाग वाला मामला जो सेट किया गया था वो बिल्कुल सही था। दूसरा, मान में डिफरेंस ज्यादा का नहीं है, और संख्याएं भी कुछ इस तरीके की कि यहीं से मुझे पता लग गया कि चूंकि मेरा जो उत्तर आ रहा था वो 21 आ रहा था, मुझे चाहिए था 31, और यहाँ के जो डाटा है वो बिल्कुल बहुत नजदीक नजदीक के हैं, 8 और इसमें 13 में केवल 5 का फर्क है, अगर मैं इसको धन ऋण कर दूं तो मेरा मामला 10 बढ़ सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किससे है भाई, अगला क्वेश्चन है सुलाक से। सुलाक से मैंने सब बताया था आपको, सबसे पहले तो आपको काम करना है कथन के पदों के निर्धारण करना है, दूसरा निष्कर्ष में ये देखना है कि जो निष्कर्ष है वो एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथन, अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो फिर आपको देखना है सकल, जो आपका मध्य पद है वो वैलिड है कि नहीं है। अब पहले हम मान का निर्धारण करते हैं, देखिए बिल्ली आके पहले सभी, मतलब मान कितना है 100, चूहे के बाद है मतलब मान कितना है 50, फिर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, चूहे के पहले कुछ मतलब मान 50, सफेद के बाद है मतलब मान 50, फिर तीसरे नंबर पर देख लेते हैं इसका क्या है, सफेद के पहले सभी मतलब मान कितना है 100, दूध के बाद है मतलब मान कितना है 50। अब अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूँ तो ये वाला मिडिल टर्म तो वैलिड है लेकिन ये वाला मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, मतलब ये हुआ कि अगर आप बिल्ली से दूध की तरफ जाएंगे तो नहीं निकलेगा, चूहा और दूध का रिलेशन बन सकता है, ठीक है, चूहा और दूध का रिलेशन बन सकता है, ठीक है, लेकिन बिल्ली का और सफेद का रिलेशन नहीं बनेगा, बिल्ली का और दूध का रिलेशन भी नहीं बनेगा। ठीक, बात करते हैं सवाल निष्कर्ष की। देखिए कुछ चूहे बिल्लियां हैं, चूहा और बिल्ली, चूहा कहाँ है यहाँ पर बिल्ली कहाँ यहाँ पर, मतलब केवल सिंगल से है, ये सकारात्मक है ये सकारात्मक है, चूहे की वैल्यू यहाँ पर 50 है यहाँ पर भी 50 है, मतलब ये सही है। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं, सफेद और चूहा, सफेद और चूहा कुछ, सफेद चूहे सकारात्मक सकारात्मक, दोनों की वैल्यू 50 50 है, यहाँ भी दोनों की वैल्यू 50 50 है, ये भी सही होगा। कुछ दूध सफेद है, कुछ दूध सफेद है, सकारात्मक सकारात्मक, दूध का मान 50 यहाँ भी दूध का मान 50, ये भी सही है, मतलब सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 विद्यार्थी, ये लीजिए भाई 4 6, ध्यान रखिएगा जब बाएं की बात होगी तो हम इधर ले जाएंगे, जब दाएं की बात होगी तो हम इधर, ये हो गया बायां और दायां, ए सी के बाई ओर ठीक बगल में, ए सी के शुरुआत हम हमेशा यहीं से करते हैं, बाई ओर ठीक बगल में, फिर क्या बोल रहा है ए डी के दाई ओर तीसरे स्थान में, डी सी के ठीक बगल में। अब देखिए
सी के बगल में एक तरफ तो ए बैठ गया तो ये सरका और बैठ जाएगा डी। अब डी से रिलेटेड ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, दाईं ओर तीसरे स्थान पर तो एक दो तीन यहां बैठ गया। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी सी के ठीक बगल में, बी ई और एफ दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखिए ई यहां बैठा हुआ है, ई और एफ के बीच में किसको बैठाना है, ये भी बैठ गया। अब आपको क्या देखना है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए के बाईं ओर एक और ये दो, कौन बैठा हुआ है, बी, और ये है आपका ऑप्शन नंबर चार, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओह दो तीन पेपरों के बाद ये सवाल मिला। इसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी ऐसी सीरीज आती है इसमें हमेशा ही एक बात होती है, दोनों छोटे नंबरों पर कुछ ना कुछ क्रिया करके बड़ा नंबर बनाया जाता है। हो सकता है कई बार ऐसा है दोनों को जोड़ के कुछ गुणा करना है, कई बार ऐसा है दोनों को गुणा करके कुछ गुणा करना है, कई बार ऐसा है दोनों को घटा के कुछ गुणा करना है। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में क्या। देखिए अगर मैं देखूं आठ में पांच जोड़ूंगा तेरह कभी नहीं आएगा, आठ में पांच घटाऊंगा तीन कभी नहीं आएगा। हाँ एक चीज हो सकती है कि इन दोनों का क्या कर दिया जाए, आपस में गुणा। तो आठ गुणे पांच कितना होता है, चालीस। अगर मैं चालीस में सात का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, दो, ठीक है। ग्यारह और चार, ग्यारह गुणे चार कितना होता है, चौवालीस। और चौवालीस में सात का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आठ। मतलब दोनों छोटी संख्याओं का गुणा करके उसमें सात का गुणा किया गया है। अब देखिए अगर मैं इसमें गुणा करूं तो नौ छक्का चौवन इकाइयां, चार चार में सात का गुणा करेंगे तो इकाइयां का आठ आना चाहिए, नहीं है, गलत। नौ पना पैंतालीस इकाई अंक, पांच पांच में सात का गुणा करेंगे तो इकाई अंक पांच आना चाहिए, गलत। तेरह सात, तेरह सते इक्यानबे, इक्यानबे सात कम सात ये हो सकता है। ग्यारह पांच, ग्यारह पचे पचपन, सात का गुणा करेंगे ये भी नहीं होगा, मतलब उत्तर आपका ये है। और चेक करके भी देख लीजिए, तेरह गुणे सात गुणे सात इक्यानबे गुणे सात, सात कम सात, सात नहीं है तिरसठ, मतलब हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीन, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओ ठीक है भाई देख लेते हैं। अरे देखिए अगर इसकी नंबरिंग की मैं बात करूं, सी डी ई ओ पी क्यू यू बी डब्ल्यू आर एस टी, एक एक के तो बात की बात है, पूछा किसका विषम का, तो W X Y यही होगा क्योंकि तो Y और किसी में है ही नहीं। I J K, S के बाद T छोड़ के U, D के बाद E छोड़ के F, O के बाद P छोड़ के Q, M के बाद N छोड़ के O, कुछ भी नहीं करना है, सब में एक एक छोड़ के W X छोड़ के Y, और यहां पर एक ही में क्यों लग गया निशान, क्योंकि Y और किसी में था ही नहीं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ई माइनस एफ, ई एफ की मात्रा, मतलब ये जो चिन्ह है वो इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं, टी गुणे यू मतलब टी यू का, यू क्या है पता नहीं, फिर क्या बोल रहा है, यू भागे डी, यू भागे डी, यू डी का पिता है, ठीक है भाई, यू डी का पिता है, यू भागे डी, यू डी का पिता है, फिर क्या है, डी गुणे सी, गुणे किसका है, डी सी का, ठीक है, डी सी का भाई है, तो डी सी से किस प्रकार संबंधित, डी सी से किस प्रकार संबंधित। अब देखिए सी जो है वो किसका बच्चा है, यू का, और डी जो है वो क्या है, यू का भाई है, तो पिता के बगल में जो भी आता है वो क्या कहलाता है, अंकल या आंटी, चाचा होगा, और अगर बड़ा भाई है तो ताऊ होगा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया भी है। पिता क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पिता तो यू है, दादा या नाना दो स्टेप ऊपर होते हैं, भाई इसका सी का भाई कौन है, डी है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर से भाई अब देखिए अगर इस सवाल में मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी मैथमेटिकल सीरीज का सवाल आए आपका फोकस भाग पर, फिर उसके बाद गुणा पर, और अगर दोनों एक साथ है तो सबसे पहले आप उसकी वैल्यू निकालिए। देखिए यहां की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, आठ गुणे छ चौबीस, छह चौके चौबीस, चार दुनिया आठ, इसकी वैल्यू दो है।
अब आपका मामला कितना है, 72 माइनस 12 धन दो, 60 2 62 30 ज्यादा का अंतर है, ज्यादा का अंतर है। ठीक है, ऋण और धन को अगर आप चेंज भी करोगे, धन यहाँ ऋण यहाँ, ये आ कितना रहा है 72 2 74 72 60 60 2 62 धन को यहाँ ले आएंगे, ऋण को यहाँ ले आएंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ऋण और गुणा, ऋण और गुणा, गुणे को अगर मैं यहाँ ले गया, ऋण को यहाँ ले गया तो गुणा रहेगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, साथ ही भाग भी गड़बड़ हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। गुणा और भाग, भाग को अगर मैं इधर ले जाऊं, गुणे को अगर मैं इधर ले जाऊं, मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 6 6 4 24 8 4 32 मान और ज्यादा हो जाएगा, गुणा और भाग भी नहीं हो सकता, मतलब मामला ऋण और भाग का है। इसको अगर मैं यहाँ कर दूं, देखिए सवाल में जो आपको बोल रहा है वो ये है, 72 भागे 12, फिर धन कितना है 8 8 × 6 ऋण 24, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 48 - 24, इन दोनों का मान 24 24 और 6 कितना हो जाएगा, ये 30 30 ही आपका उत्तर है, मतलब आपका ऑप्शन है ऋण और भाग। ये किया कैसे, देखिए पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू कितनी आ गई 62। ऋण और धन को अगर मैं बदलता हूँ तो मेरा मान बढ़ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। ऋण और गुणे को, गुणे को अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो 72 × 12 बहुत ज्यादा माना जाएगा, ठीक है ये भी नहीं हो सकता। गुणा और भाग, अगर मैं भाग को यहाँ ले जाता हूँ, गुणे को यहाँ ले जाता हूँ तो बटे में कितना आ जाएगा 6, तब भी मान बढ़ रहा है, तो तीसरा भी उत्तर नहीं, मतलब 100% उत्तर कौन सा है, चौथा। चेक मैंने इसलिए किया कि आप भी जब सवाल लगाइएगा अगर एक उत्तर निकल जाए तो उसको एक नजर चेक कर लीजिएगा, इससे क्या पता लग जाएगा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह, किसका सवाल आ गया, नॉन वर्बल रीजनिंग का। देखिए पहले यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, ऐसा है मामला। तो अब अगली बार ये घूम के एक खाना एक खाना एक खाना, मतलब इसका जो मुंह है वो नीचे की ओर रहेगा, इसमें किसमें है, दूसरे में और चौथे में, तीसरा गलत पहला। अब इन दोनों में क्या फर्क है, स्टार और गुणे का। देखिए ये जब घूमा तो कुछ नहीं बदला, मतलब ये लेफ्ट साइड ही है इसके, जिधर मुंह है उसके लेफ्ट साइड, 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 उत्तर कौन सा है, चौथा। जिधर मुंह है उसके लेफ्ट साइड, 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 जिधर मुंह हो जाएगा उसके लेफ्ट साइड, मतलब गोला लेफ्ट साइड में आना चाहिए, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, ओ एम्बेडेड फिगर। देखिए मामला ये है, ठीक है, इसमें मुझे ये तो दिख रहा है लेकिन ये जो सीधी लाइन है ये गायब है, ऐसी अगर होती तो हो जाता लेकिन ये तो है नहीं, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें मुझे ये तो दिख रहा है लेकिन ये वाली लाइन यहां भी मिसिंग है, नहीं हो सकता। इसमें तो मुझे तीर ही नहीं दिख रहा, ये भी नहीं हो सकता, मतलब उत्तर आपका कौन सा होगा, चौथा। ये तो आपने निकाल लिया लेकिन चौथा है कहां पे भाई, एक निगाह डालिए जरा, कहां है तीर, कहां पे है। अब देख लीजिए आप, जो फिगर आपका बना हुआ है एग्जैक्ट फिगर आपको वहां पर मिल रहा है, मतलब आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर। बात करते हैं अगले सवाल के। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ओह एक वृत्ताकार मेज, फिर से वृत्ताकार मेज, 2 4 6 लेफ्ट बाया राइट, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, देखिए अमन को मैं ए से लिख लूं, विप्लव को मैं बी से लिख लूं, किरंतन को सी से, दिव्या को डी से, एलिजाबेथ को ई से, फिर लगता है ये सवाल आपका आ चुका है इसके पहले किसी पेपर में। ठीक है, अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अमन विप्लव के 1 2 3 अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। ठीक है, चिरंतन अमन के ठीक बगल में, मतलब या तो सी यहाँ पे रहेगा और या तो सी फिर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है,
एलिजाबी दिव्या के दाई ओर दूसरे स्थान पर है, दिव्या के दाई ओर, दिव्या के दाई ओर अगर मैं इसको बैठा लूंगा तो एक दो, यहाँ तो दिव्या हो नहीं सकती, दिव्या के दाई ओर ठीक है, यहाँ बैठा लूंगा तो एक दो, एलिजाबी दिव्या के यहाँ बैठा लूंगा, यहाँ बैठा लूंगा तो एक दो, यहाँ बैठा लूंगा तो दिव्या यहाँ यहाँ दोनों खाने भर जाएंगे, मतलब दिव्या के दाई ओर कौन है, कौन है चिरंतन, नहीं एलिजाबी दिव्या के दाई ओर है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा भाई, एलिजाबी दिव्या के दाई ओर है तो ये दिव्या यहाँ से करके एलिजाबी, देखिए अगर मैं यहाँ पे दिव्या को लेता तो एलिजाबी इस जगह पे आ जाती, यहाँ भी है, यहाँ मैं ले नहीं सकता, यहाँ मैं लेता दिव्या को तो एक दो एलिजाबी यहाँ पे आ जाती, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में से एक जगह तो चिरंतन, यहाँ पे अगर मैं लेता तो दाई ओर एक दो यहाँ पे आ जाता, वो भी ए बैठा हुआ है। अब आपको क्या बोला है, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, मतलब चिरंतन यहाँ पे नहीं होगा, चिरंतन होगा इस जगह पे। अब बचा कौन है, तो बचा है कौन, फिरोज, मतलब ठीक है। अब आपको बोला विप्लव और फिरोज के बीच में कौन बैठा हुआ है, विप्लव और फिरोज के बीच में बैठी हुई है कौन, दिव्या, और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, किसी कूट भाषा में ट्रिप को गर्क फास्ट को, देखिए कितना बढ़िया सा सवाल है, बहुत आसान भी है, ट्रिप इसको क्या लिख रहा है, अब यहां देखिए ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये, ठीक है, तो होम का एच का अपोजिट क्या होता है, एस, ओ का अपोजिट एल, एम का एन और ई का क्या होगा भी, एस एल एन भी, वैसे एस, यहीं से सवाल का पता लग गया, ऑप्शन नंबर चार। अपोजिट का मतलब ये होता है, देखिए रख लीजिए आप लोग ध्यान में, देखिए पीके और जैकलिन को मन से लव हुआ, वो लोग आज जीटी एक्सप्रेस से द्वारिका के लिए रवाना हुए, जहां उसके सिक्स पैक एप्स देखकर वो डर गई, उसको बाय बाय करके निकली, वह बेचारा उफ उफ करता रह गया और दोस्त उसके हंसने लगे। कितने हो गए, हो गए क्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, कौन सा छूट गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इंडियन रेलवे की चीज, हाँ ये छूट गया, इंडियन रेलवे की चीज, ये सारे के सारे वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो इसको लिख ले, और इसके अलावा और अगर इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अल्फाबेट का वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ब्रदर को 14 के रूप में, यहां मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी अल्फाबेट को नंबर के रूप में दिखाया जाए, मतलब 100% उसमें अल्फाबेट्स के नंबर का ही यूज किया गया होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें वो करता है। अब देखिए अगर मैं बात ब्रदर की करूं, पहले तो अपन को इसी से निकालना, बी का नंबर 2, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5 और आर का नंबर 18, लेकिन दिया कितना है 14, तो अब आपको जोड़ना पड़ेगा, देख लीजिए आप जोड़ लीजिए, देखिए 18 दो 20, 20 40, 15 55, 55 और 8 63, 63 और 5 68, 68 8 74 10 84, 18 2 20 20 40 40 और 15 55, 55 और 8 63, 63 55 और 8 63, 63 5 68, 68 8 76 10 86 आ रहा है। अब देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना है, अब इसी तरीके से आप चॉकलेट का निकाल लीजिए, तो देखिए इसका नंबर 3, इसका नंबर 8, इसका नंबर 15, 3, 15, 12, 1, 20, 5, 8, 3, 11, 15, 26, 3, 29, 5, 34, 10, 44, 44, 2, 46, 46, 10, 56, 56, 1, 57, 57, 20, 77, 77 और 5, 82, 82 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 10, और यही है 8, 6, 14, 8, 3, 11,
ग्यारह पंद्रह छब्बीस छब्बीस तीन उनतीस पाँच चौंतीस दस चौवालीस 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 दो छियालीस दस छप्पन छप्पन एक सन्तावन सन्तावन बीस सतहत्तर सतहत्तर और पाँच बयासी तो सही है। तीन आठ पंद्रह तीन पंद्रह बारह एक बीस पाँच क्या दिक्कत है। आठ तीन ग्यारह ग्यारह पंद्रह छब्बीस छब्बीस तीन उनतीस उनतीस पाँच चौंतीस दस चौवालीस चौवालीस दो छियालीस दस छप्पन एक सत्तावन सत्तावन बीस सतहत्तर सतहत्तर पाँच बयासी आठ और दो दस ही इसको देखें जरा एक तीन बीस नौ यू भी बाईस पाँच तीन एक चार बीस चार चौबीस चौबीस और नौ तैतीस तैतीस दो पैंतीस पैंतीस बीस पचपन पचपन पाँच साठ छः दूनी दो का गुणा किया इसमें अठारह दो बीस पंद्रह पैंतीस बीस पचपन आठ तिरसठ सठ पाँच सठ पाँच अड़सठ अड़सठ आठ छिहत्तर दस छियासी छियासी में दो का गुणा करेंगे दो छक्का बारह दो अट्ठे सोलह और एक सत्रह तो बहत्तर लिखना चाहिए था। एक्टिव को लिख रहा है बारह क्या गड़बड़ है जी अठारह दो बीस पंद्रह पैंतीस बीस पचपन इसमें गलत इसमें ऐसे इसके हिसाब से तो उत्तर बीस हो जाएगा। तीन एक चार चार बीस चार चौबीस चौबीस नौ तैतीस 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 दो पैंतीस बीस पचपन पाँच साठ साठ का योग छः छः को डबल कर दिया तो कितना हो गया बारह बारह आठ बीस अठारह दो बीस आर का नंबर अठारह पंद्रह बीस आठ पाँच अठारह अठारह पाँच तेईस तेईस आठ इकतीस बीस इक्यावन पाँच पाँच छप्पन दस छाछठ आठ चौहत्तर चौहत्तर दस चौरासी चौरासी और दो छियासी आठ छः चौदह ठीक है। खैर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो रहा है छः दूनी बारह अगर ये बारह है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पता नहीं क्यों ये वाला नंबर मिसमैच कर रहा है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो फिर इसका उत्तर होना चाहिए था चौदह दूनी अट्ठाईस मतलब यहाँ पर फिर कितना लिखना चाहिए था अट्ठाईस वो उसने नहीं दिया लेकिन दूसरे वाले के हिसाब से मैच करा इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा बीस। बात करते हैं अगले सवाल की। हाँ यहाँ देखिए दो फिर चार फिर छ ये दस तो यहाँ पे आठ होना चाहिए आठ मतलब एच गलत टी टी का नंबर बीस अठारह सोलह सोलह के बाद चौदह चौदह के बाद बारह चौदह चौदह का एन ये वाला गलत। अब देखिए इसको देख लिए डब्लू 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 का कितना तेईस टू भी इक्कीस इक्कीस के बाद स्टूडेंट उन्नीस तो उन्नीस के बाद सत्रह सत्रह किसका हो जाएगा ठीक है दो दो बढ़ा के दो चार फिर इसके बाद बाकी के सारे क्या किया है घटा के। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रक ओम तो ऊर्जा का मात्रक जूल ये सवाल आ चुका है एक ही पास से गई देखिए अब यहां पर देखिए किसका विपरीत फलक निकालना है चार का विपरीत फलक देखिए जरा चार किसमें आया हुआ भाई इसमें और किसमें आया हुआ नहीं आया हुआ यहां देखिए पांच छ यहां भी पांच छ देखिए ये पांच छ और ये पांच छ अब यहां से कितना बचा चार यहां से कितना बचा तीन मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा तीन आपका ऑप्शन
जब दो चीजें कॉमन मिल जाती हैं तो जो बचे हुए दोनों अंक हैं वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट। बात करते हैं अगले सवाल की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर एक, इसमें भी कुछ नहीं था। बात कर लेते हैं अगले सवाल। किस विकल्प में, ओह किससे सवाल आ गया, डिक्शनरी से, वही तो मैं सोचूं। देखिए बी से आपको कुछ नहीं मिलना, आर से आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है। यहां पर है ए, ए और ए, ए एन, देखिए ओ है, ए है, यू है, ए है, आई है, सबसे पहले तो यही दोनों आएंगे, ए एन, ए एन सी, मतलब पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, फिर तीसरे नंबर पर ये, मतलब पहले नंबर पर ये मतलब चार, दूसरे नंबर पर दो और फिर पांच, चार दो पांच, चार दो पांच, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी अब चेक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। बात कर लेते हैं साथियों, यहां पे आकर के हमारा ये आज का पेपर खत्म होता है। इसमें कुछ एक चीज और आपने देखी होगी कि अब क्वेश्चन रिपीट होने लग गए, अभी तक एक आध क्वेश्चन रिपीट है। इस पेपर में तीन से चार क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पिछले पेपरों में पढ़े होंगे, ट्रैक बिल्कुल नहीं बदला है। एक चीज बहुत अच्छी है कि रीजनिंग में ट्रैक नहीं बदला है, लगभग लगभग उसी उसी टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं जिस जिस टॉपिक से सवाल पहले नंबर पर पूछे पहले पेपर में। देखते हैं अभी टोटल 76-75 पेपर है, देखते हैं अभी चूंकि अभी 50 से ऊपर प्लस 50 प्लस पेपर्स लगाने, देखते हैं आगे के पेपरों में क्या होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल 25वें पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।